दिखाती हूँ कि मैं बिरयानी किस चीज़ की बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ या बीफ का या पुलाव और मटन बना रही हूँ। तो ये मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, ये प्याज ब्राउन होगा और ये मेरी चिकन है। आलू भी मैंने काट के रख लिए हैं, चिकन धो के रख लिए, ये पास मसाले पड़े हैं। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। ये चिकन फ्राई हो गई है, ये जो शोर आ रहा है ना, ये मसाला ग्राइंड किया जा रहा है, ये मसाला ग्राइंड हो रहा है और ये सारे मसाले तैयार हो गए। ये अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर और लाल हरी मिर्ची। टमाटर इसमें मैंने एक ही डाला है, वो असल में मैं फिर इसमें वो इमली भी डालूंगी ना, इसलिए इसकी बुनाई हो रही है। अभी मैं जो जो इसमें डालूंगी वो साथ साथ आपको मैं दिखाती रहूंगी। ये जी बिरयानी का पेस्ट बन चुका है, ये बन रहा है बिरयानी का पेस्ट। और ये चावल बॉईल करने के लिए ये पानी मैंने रख दिया है, ये चावल भी घोल के रखे हैं और साथ ही ये निहारी की तैयारी की है। ये निहारी के लिए मैंने थोड़ी सी चिकन रखी है, बाकी फिर मिलते हैं आपके साथ। जी गाइस, इधर बिरयानी भी तैयार हो चुकी है और ये मैं बना रही हूँ निहारी। ये अब आपको फाइनल करके मैं दिखाऊँगी, ये हमारी बड़ी मज़ेदार और बड़ी जायके वाली निहारी बन रही है। ये जैसे बनती है तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिरयानी तो तैयार है, ये बिरयानी का फाइनल लुक देखिए गाइस। बिरयानी मेरी एक एक चावल ये देखिए, ये फाइनली बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब जैसी चीज़ आती है फिर सारे बैठ के तो खाते हैं। टाइम कैप तो